आज अपन है एक तरीके यूनिक तरीके का अरेबियन डेजर्ट ट्राई करने के लिए, मेनली बाहर से यूएई से इंपोर्ट कराते डो जो कतेफी बोलते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आज अपन है एक तरीके एक यूनिक तरीके का अरेबियन डेजर्ट ट्राई करने के लिए जिसका नाम है कुनाफा। शॉप का नाम आप देखिए कैप्टन कुनाफा। यहाँ अपन ट्राई करेंगे, सिर्फ ट्राई नहीं करेंगे साथ ही साथ आपको इसका मेकिंग प्रोसेस भी बताएंगे और इसका इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ओनर से बात करते हैं, उसके बाद इसका मेकिंग प्रोसेस देखते हैं। आइए पहले तो अपन अब यहाँ के ओनर से बात करेंगे। तो आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम सऊद बिन नासर है। तो भाई आपके कुनाफे की ऐसी क्या खास बात है जो बारकस में अपने पास कि इतना फेमस है आपका कुनाफा? हमारा कुनाफा, हमारी स्पेशलिटी ये है कि कुनाफे का डो कोई भी यूज़ नहीं करते यहाँ से। तो हम लोग मेनली बाहर से यूएई से इंपोर्ट कराते डो जो कतेफी बोलते हैं। जी कतेफी जो तकरीबन भाई अपन बाहर भी खाते, तकरीबन अपन बाहर खाते नहीं है तो वो सेमिया टाइप का दिखता वो। तो आपके पास पैसा यूज़ नहीं होता आपके पास का इंग्रेडिएंट? यहाँ पे असल क्या है बोलते, कतेफी का प्रोडक्शन नहीं है ऑल ओवर इंडिया। तो लोग क्या करते, दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, लोग अपने ये जो सेमिया आते सेविया उसको पीस के बना लेते। वो जो वो कतेफी से कंपेयर करे तो बहुत ज़्यादा चीप रहता और टेस्ट भी बहुत पीछे हो जाता और अरेबियन डिजर्ट की फील नहीं देता, कुनाफा जैसा रहता ना वैसा नहीं देता। तो तकरीबन हमला भी बाहर खाए भाई, एकदम सेविया टाइप का दिखता कुनाफा, एकदम कुनाफा फील नहीं देता। सौद भाई के पास जो है तो पूरा प्रोडक्ट कहाँ से आता सौद भाई के आपके पास जो कुनाफे में यूज़ करते, कहाँ से आप इंपोर्ट कराते? ये कुनाफे में पहली चीज़ देखिए कतेफी मेन इंग्रेडिएंट है एंड अकावी चीज़ बोल के कतेफी मतलब वो ऊपर जो डालते सेविया। यस यस, उसमें वो सेविया नहीं रहते, बस वैसा दिखता नहीं वैसा दिखता वो एग्जैक्ट। तो वैसे लंबे लंबे रहते हो और वो मेन इंग्रेडिएंट है समझे कुनाफे में असल बनाना है। और दूसरी चीज़ है अकावी चीज़। अकावी चीज़ कैसा रहता बोल तो, ना आप ज़्यादा खाए तो आपको हैवी दिखता ना लाइट दिखता, मतलब मद हो जाता ज़्यादा चीज़ खाए, ज़्यादा दूसरी चीज़ें खाए तो आप मद हो जाते, दो तीन चमचे में आपको फटीक महसूस होता। लेकिन हम लोग ये हैंडमेड ये अकावी चीज़ बोलते हैं जो कुनाफे में वर्ल्ड वाइड यूज़ होता, उसका मैनुफैक्चरिंग भी हम ही करते जी। ये आपकी ख़ास बात है पूरी। तो सऊद भाई आपके पास टोटल कितने टाइप के कुनाफे अवेलेबल? हमारे खाने अभी फिलोखत 12 प्लस कुनाफे मौजूद है, उसके अलावा कुनाफे के साथ साथ डोनट्स है, बखलावा है, बसबूसा है, इंशाल्लाह और आने वाले दिनों में ब्राउनीस एंड कुकीज भी इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह, और चीज़ें आने वाले हैं। तो टोटल तो आपके पास ज़्यादा फेमस कुनाफा कैसा है, कौन सा चलता है सऊद भाई? हमारे खाने जितने भी कुनाफे पूरे फेमस है समझे माशाल्लाह। क्यों बोल तो वो पूरी उन की बनावट ही ऑथेंटिक है। अच्छा, इसीलिए पूरे उसका स्टो जो चूल्हा उल्ला भी एकदम चूल्हा भी आप लोग आगे आने वाले वीडियोस में भी देख सकते हैं अपन आगे इसका मेकिंग प्रोसेस। जी हाँ, मेकिंग प्रोसेस बना। तो ये रहती सऊद भाई आपकी स्पेशलिटी, जो जो भी कुनाफे में जो जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते जिस तरीके से बनाते आप लोग पूरा। तो सऊद भाई ये जो रहता ना जी हाँ, ये कुनाफे के ऊपर डालते, ये कुनाफे के ऊपर डालने का सिरप है, इसमें शुगर और हनी मिक्स रहता जी। और एक चीज़ मैं इसकी बात बोलता हूँ, कभी अपन मंदी खाने गए तो मंदी खाए तो उसके अंदर चटनी रहती ना, चटनी मायने इसके बगैर मुर्गी के बगैर मंदी नहीं दिखती ना, तो इसके बगैर कुनाफे का मज़ा नहीं आता, सही है ना सऊद भाई? इसके बिना कुनाफा फीका है जी, इसके बिना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये रहता उसके ऊपर डाल देना, इसके ऊपर डाल, इसके ऊपर उसके ऊपर डालते। तो अपन आगे जाएंगे, जाएंगे पूरा कुनाफा किस तरीके से बनता और कहते हैं कि जो जो भी रहता हर चीज़ आप लोगों को बताएंगे। तो अपन जाएंगे किचन की तरफ, आइए अब अपन देखते हैं ये यूनिक अरेबियन डेजर्ट बनता कैसे, उसका मेकिंग प्रोसेस आपको स्टार्टिंग से बताएंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये क्या है? ये अनसाल्टेड बटर आता है इसमें, पूरा प्लेट में ऐसा फैला देना। अनसाल्टेड बटर जैसे कि इसमें वो नहीं रहता समझो, नमक नहीं रहता, फीका बटर है ये। जी हाँ, घी भी यूज़ कर सकते हैं अपन या अनसाल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक। जी हाँ, इसके बाद ये बटर फैला दिए, बस इसका मेन इंग्रेडिएंट। अच्छे तरीके से पहले बटर को स्प्रेड कर दिए, देख सकते हैं आप प्लेट में मोहम्मद भाई। उसके बाद ये आता है यहाँ का मेन इंग्रेडिएंट जो कुनाफे का एकदम मेन इंग्रेडिएंट है, इसका नाम है कतेफी। कतेफी जी हाँ, यही है जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं? यूएई से। यूएई से जी हाँ, माशाल्लाह। और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन भी नहीं रहता, असल कुनाफा वर्ल्ड वाइड इसका बनता कतेफी। जी हाँ, तो यही है जो कतेफी कतेफी बोल रहे थे हम लोग। इसके और सेवियों के मज़े में बहुत फ़र्क रहता है,
तो ये है कुनाफे का सिग्नेचर इंग्रेडिएंट, सिग्नेचर इंग्रेडिएंट कैथेफी। देख सकते हैं आप एकदम रॉयल लुक दिख रहा है भाई, बहुत माशाल्लाह। तो इस तरीके से इसको डालते हैं कैथेफी को। जी हाँ, देख सकते हैं आप कैथेफी को इसमें तो ऐसा डंप तो कर दिए है। इसके बाद क्या डालेंगे आप इंग्रेडिएंट? फिलिंग आता है, ये चीज़ रहा। चीज़ तो ये नॉर्मल चीज़ है या कौन सा चीज़? ये क्रीम चीज़ के वैसा दिखता है, लेकिन इसकी मेकिंग प्रोसेस थोड़ा अलग रहता। तो चीज़ का नाम क्या है? अकावी चीज़ बोलते हैं। अकावी चीज़ यही है वो, अकावी चीज़ जो अलग तरीके का रहता है, कुनाफे की स्पेशल चीज़ रहती है। कुनाफे की स्पेशल चीज़। तो यहाँ आपको यहाँ के अलावा कोई और कुनाफे की दुकान पर यूज़ कर सकती है? अरब दूसरे कुनाफों के तो 100% कोई भी नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन फिर भी जो अरब मुबालिक में रह के आए हुए उन लोगों को मेकिंग प्रोसेस आता होगा हम बोल सकते हैं। वो बोल सकते हैं, समझो माशाल्लाह। तो ये चीज़ डाले बाद इसमें भी ये फैला देना है, ये चीज़ को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। माशाल्लाह देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है चीज़। तो ये चीज़ भी खाए बंद एकदम मत पना नहीं होता, नहीं खासियत ये खासियत ये चीज़ की चीज़ की खासियत ये है आपको अच्छा तरीके से आप खा सकते हैं, ताकि मद नहीं होता। जो डेयरी प्रोडक्ट हो जाता है दूसरे आम चीज़, इसमें आपको मत पना नहीं होता। उसके बाद फिर आ रहा है फिर इसके ऊपर कैथेफी से अपन इसको ढाप देना है, इसको ढाप देना है। फिर कैथेफी इसके ऊपर आ चुका है यहाँ पर। ये हो गया अपना कुनाफा मेकिंग प्रोसेस, ये रहता है कुनाफे का, कुनाफे का मेकिंग प्रोसेस ये हो गया। अब इसको अपन लेके जाएंगे यहाँ पर सीधा स्टोव की तरफ। स्टोव की तरफ गाइस देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपना कुनाफा रेडी होने वाला है। अच्छा अंदर से ऊपर से पूरा लाल लाल हो गया, अच्छी स्मेल तो बहुत ज़बरदस्त आ रही। अपन सीधा इसको ट्राई करके बताएंगे आप लोगों को कुनाफा पूरा रेडी होने के बाद। अभी तो ख़त्म पे है, पूरा रेडी होने के बाद ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसका टेस्ट शेयर करेंगे और रिव्यू पूरा जेन्युइन रिव्यू देंगे इसका। फाइनली देख सकते हैं अपने पास दो बेहतरीन कुनाफे आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुनाफे को ट्राई करने से पहले एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पर कैप्टन कुनाफे पे जो जिस तरीके से सर्व करते हैं ना, उसमें भाई आपके पैसे वसूल हो जाते। आप देखो कितनी अच्छी तरीके से सर्व करे भाई अपने को, चमचे वमचे एकदम, ये सर्व करने का तरीका बहुत प्यारा दिखा मेरे को। तो अपन जल्दी ट्राई करेंगे इसकी ऐसी खुशबू आ रही है मेरे से बस नहीं हो रहा। हेलो भाई, ट्राई करने से पहले मेन चीज़ डालना तो भूल गया। हाँ ये चीज़ असल ये इसका सिरप आता, इसका समझो शुगर सिरप है, शुगर प्लस हनी का सिरप है ये। तो बस इसमें अपन दिखने में भाई मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा दिखने में। चलो अब जल्दी ट्राई करके देखेंगे ना, टेस्ट करेंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो हमने जो ट्राई करने वाले ये चीज़ कुनाफा है, यहाँ का फेमस कुनाफा है काफ़ी ज़्यादा। तो पहले प्रोसेस तो दिखा दिया आपको, पहले अपन ट्राई कर लेंगे। देख सकते हैं अंदर चीज़ लास्ट हो रहा है, पहले खून बड़ा भाई। क्या चीज़ है उस्मान भाई ये? अरे मैं ट्राई करता हूँ, मैं तो इसके अंदर पिस्ता चाव भी था ऊपर, पिस्ता चाव भी डाल के ट्राई करने वाला हूँ। बिस्मिल्ला। ये जो क्रिस्पी प्लस अंदर जो चीज़ का टेस्ट आ रहा ना, बोल नहीं सकते मैं। अगर ये चीज़ के मज़े लेना है आपको इस चीज़ के, तो जल्दी आ जाना कहाँ ना, कैप्टन कुनाफे पे। इसकी इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप। ये था चीज़ का कुनाफा, पूरा सिरप डाले हमने ऊपर, बीच में जो है पिस्ता का थोड़ा टॉपिंग है। देख सकते पूरी अंदर पूरी चीज़ अनलिमिटेड भरे हुई है। और ये चीज़ ऐसी चीज़ है ये आपको कैप्टन कुनाफे पे ही मिलती,
ये चीज़ जो है ना, तकरीबन आप चीज़ खाते तो मद हो जाती, ये चीज़ आपको मद नहीं करती, आप खा सकते ये चीज़। चीज़ का नाम बोले तो कावी चीज़, ये खासियत है यहाँ की, ये खासियत है। तो ये हो गया अपना चीज़ का कुनाफा, अभी अपन इसको पूरा फिनिश करेंगे, फिनिश करके एक और एक ज़बरदस्त न्यूट्रिला कुनाफा यहाँ से खाली मेरे को टेस्ट करो बोल रहा है ने। ये दो चीज़ एकदम स्पेशल है यहाँ के, एक न्यूट्रिला कुनाफा एक चीज़ कुनाफा है, अपन इसको जल्दी फिनिश करेंगे, न्यूट्रिला की तरफ आएंगे उस्मान भाई, क्या बोलते हैं, इसको पहले फिनिश करेंगे उसके बाद आएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। अब आ चुका है यहाँ पर न्यूट्रिला कुनाफा, तो यहाँ का बेस्ट सेलर कुनाफा है यहाँ पर, कैसा भी आके ट्राई करो आप, तो आप इसको ट्राई करेंगे। तोड़ने में एकदम क्रिस्पी दिख रहा है, और इसमें न्यूट्रिला थोड़ा, मैं भी ट्राई करता हूँ, चलो फर्स्ट ट्राई करेंगे बिस्मिल्लाह भाई। इसके ऊपर पूरा न्यूट्रिला डल रहा है, अपन भी ट्राई करेंगे दल्ली, जबरदस्त है भाई माशाल्लाह, तुम ट्राई करो उसके बाद देखो, देख सकते हो पूरा ओपन न्यूट्रिला है, ट्राई करेंगे, बहुत बेहतरीन है भाई माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है एकदम न्यूट्रिला, और जो कैथेफी का जो क्रिस्पीपन दे रहा ना, उसमें बहुत टेस्ट आ रहा, बहुत यूनिक है एकदम, कैथेफी जो इम्पोर्ट कराते वाले भाई, उसका ही टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा, क्रिस्पीनेस दे रहा है माशाल्लाह। बारकस में कभी भी फेमस मंदी खाने हैं तो बारकस एरागुंडे की फेमस कुनाफा भी एक बार ट्राई कर लो, बिल्कुल आप मंदी खाने हैं ना, बिल्कुल उधर ही आपको कैप्टन कुनाफा पूछ लो, कोई भी बता दे आपको, इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन रहता, वो देख के आके आप ट्राई कर सकते हैं माशाल्लाह, बस बेहतरीन चीज़ एकदम यूनिक अरेबियन डेजर्ट है बहुत माशाल्लाह, एकदम है तो एकदम फील दे रहा है, एक अरेबियन डेजर्ट की फील दे रहा है कुनाफा अपने, ये कुनाफा अगर आपको ट्राई करना है तो जल्दी आ जाना। ये जो है ये न्यूट्रिला एकदम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अभी और अलग अलग तरीके के वैरायटी के कुनाफे अवेलेबल है साउथ बे के पास, आओ आगे कैसा भी ट्राई करो, ब्लूबेरी कुनाफा और कई सारे कुनाफे, बस एक बार विजिट करो कैप्टन कुनाफा, इंशाल्लाह आप खुश हो के जाएंगे, जब भी आप नाराज रहेंगे खुश हो के जाएंगे, तो मैं भाई को रिव्यू देना खाली बोलना तो दिल नहीं भरा दादा, ज़्यादा बोलना तो देख सकते खा रहे तो इतनी जबरदस्त चीज है भाई, बोलने का मतलब आप लोग सोचेंगे आप ओवर तारीफ करते हैं, वैसा नहीं, एक बार ट्राई करो आके, ट्राई करे बाद आपको मालूम होता, अब हम ना बोले आप लोगों को जेन्युइन रिव्यू दे रहे, एकदम जेन्युइन रिव्यू है माशाल्लाह, मैं फर्स्ट टाइम खाया ये, बहुत बेहतरीन दिखा, एकदम यूनिक चीज़ है ये, आप लोग कैसा भी ट्राई करो आके इंशाल्लाह। इस कुनाफा तो हम ना खा लिए माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन टेस्ट था, और ये लजीज कुनाफा आपको भी ट्राई करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन रहेगा उसका, कैप्टन कुनाफा का। तो साउथ भाई आपके कितने ब्रांचेस है टोटल? हमारे शहर में टोटल 3 ब्रांचेस है, एक बारकस पे है, और एक मलकपेट, और एक टोली चौकी, मलकपेट टोली चौकी, हाँ, तीनों तीनों का एड्रेस भी आप गूगल पे हमारे, तो तीनों का भी मिल जाता, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी भाई आप डिस्क्रिप्शन में डाल देते, डिस्क्रिप्शन में तो स्क्रीन पे भी मेंशन हो जाएगा उसका, जी स्क्रीन पे भी मेंशन हो जाएगा, और हाँ स्क्रीन पे भी मेंशन। और साउथ बे टाइमिंग क्या है आपकी शॉप की? टाइमिंग सुबह में 2 बजे से ऑर्डर्स लेते हैं, शाम में एक बजे तक जी, तो देख सकते हैं आप कुनाफा कुछ इस तरीके का था कैप्टन कुनाफे की तरफ। तो वीडियो अच्छी देगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, और शुक्रिया साउथ बे बहुत बहुत आपका टाइम देने का, शुक्रिया जजाकल्ला खैर, तो मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।